भारत वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसारुल बारी। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि हम देश के किसानों की समस्याओं पर उनसे बातचीत करेंगे। नरेश तिरोही साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, किसान सेल के सरबराह कहे जा सकते हैं, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा हम इनके बारे में ये भी बताएं कि हिंदुस्तान के जो जाने माने किसान नेता हैं, उनमें सबसे उभरता हुआ नाम है। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत वॉइस में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बड़ी आस थी, बड़ी उम्मीद थी कि शायद 2014 के बाद जिस तरह से सरकार बदली है, किसानों के हालात भी बदलेंगे, आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए अंजर भाई, किसानों की समस्या बहुत पुरानी है और वो 2-4 साल में बदल जाएगी ऐसी संभावना नहीं है, और मैं नहीं समझता कि वो इतनी जल्दी बदलने वाली है। जहाँ तक किसानों का प्रश्न है, किसानों की समस्याओं को अगर बदलने का आपने मन बनाया है या बदलना है, तो पूरा देश की जो कृषि नीति है और जो कृषि पद्धति है, मैं दोनों बात कह रहा हूँ, कृषि नीतियाँ जिस पे देश का ट्रैक चल रहा है और जो वर्तमान में कृषि पद्धति है, जो प्रैक्टिस किसान कर रहा है, इन दोनों में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ये जो कृषि पद्धति है, इसका डिज़ाइन ही गलत है। ये भारत की परिस्थितियों के अनुकूल ये डिज़ाइन नहीं है। इस डिज़ाइन पे अगर हम चलेंगे तो समझ लो कि उत्पादन तो बढ़ेगा, आपको दिखाई देगा कि खेत लहला रहे हैं, लेकिन किसान इसमें कर्जदार ही होता जाएगा। इसमें से कुछ और निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन हमने जो किया हुआ है, ये इंडस्ट्री को ध्यान में रख के किया हुआ है। 1957 में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे और वो देश की कृषि नीति को बदलना चाहते थे, कृषि पद्धति को बदलना चाहते थे, यूरोप की तरह और रशिया की तरह उसके ट्रैक पे ले जाना चाहते थे भारत की कृषि को, तो उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन के लोगों को बिठा गया, योजना आयोग के अंदर लाके बिठाया और उनसे कहा कि आप हमारी कृषि नीति और कृषि पद्धति को डिज़ाइन करिए। तो ये पश्चिमी देशों की देखा देखी उन लोगों ने डिज़ाइन की है, उसी में से हरित क्रांति निकली है। हमने 1991 के बाद कृषि को फिर बाजार बनाया दोबारा WTO के तहत, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं बेसिक बात करता हूँ कि ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये इंडस्ट्री को ध्यान में रख के किया हुआ है। इसका परिणाम यही निकलना है कि किसान कर्जदार होगा, आत्महत्या करेगा, उसके जो श्रम की कीमत है वो इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, कोई भी सरकार आए तो राहत के कदम तो उठा सकती है, वो जो है राहत के कदम तो उठा सकती है, और जितने भी हैं राज्य सरकारें हैं, चाहे वो BJP की हैं, चाहे वो कांग्रेस की हैं या किसी और दल की हैं, समय समय पर राहत किसानों को देती रही हैं ताकि उसमें से वोट भी आता है। जो तकलीफ में है इंसान, अगर उसको आप राहत पहुंचाओगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, तो वोट के रूप में उसको मिलेगा, लेकिन इससे आमूलचूल परिवर्तन आप नहीं कर सकते। इस कृषि पद्धति किसानों की समस्याएं तो हल होती भी नजर नहीं आ रही है। देखिए, जब मैंने कहा ना, इससे हल्का नहीं है, किसानों की समस्याएं इन सब पद्धतियों से अगर हम नहीं हटेंगे तो राहत ही राहत रहेगी। मान लो किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स का दर्द हो गया, वो रात में चिल्ला रहा है, तो आपने उसको एक इंजेक्शन दिया पेन किलर, वो थोड़ा उसको राहत मिल गई, सुबह जब जाएंगे देखेंगे, सुबह उसका ऑपरेशन जब तक नहीं होगा तब तक उसका आराम नहीं होगा। तो भारत की जो कृषि पद्धति हैं और यहाँ की नीतियाँ हैं, उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो ऑपरेशन अभी नहीं हो रहा है। ऑपरेशन करने के लिए बहुत बढ़िया डॉक्टर चाहिए। अब बात यह है कि पूरे राजनीतिक दलों में कोई चौधरी चरण सिंह जैसा डॉक्टर नहीं है जो उस मर्ज को जानता हो। असल जो मर्ज है कि हमको देश को किस रास्ते पे लेके जाना है, इस कृषि पद्धति को, इन किसानों को किस रास्ते पे लेके जाना है, वो नहीं है। नहीं तो लेकिन जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका दावा यह है कि जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ वो हम करेंगे, शायद किसानों को इस बात पे उम्मीद बंधी थी। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो सुधार किए हैं, जैसे सॉयल हेल्थ का किया है, जमीन की उर्वरा शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है,
इस कृषि पद्धति के चलते देश भर की जो मिट्टी है वो सब खराब हो गई है, उसमें अब कोई जान नहीं बची है। तो सॉयल हेल्थ का प्रधानमंत्री ने किया है, तो ये कोई खराब कदम नहीं है, ये अच्छा कदम है। उन्होंने सिंचाई के साधन हमारे यहाँ जितने नहीं थे उस पर सिंचाई पे काम किया, बजट में उनमें 20,000 करोड़ की जगह 40,000 करोड़ कर दिया है। एक एक बूंद पानी की जो है वो अधिक उपज दे उस पर काम किया है उन्होंने, इसमें कोई बुराई नहीं है। फसल बीमा जहाँ ब्लॉक का था वहाँ ब्लॉक की जगह गांव इकाई लिया है, गांव की जगह खेत इकाई लिया है, ये सुधार के कदम है। लेकिन मेरा एक स्टेप इससे आगे कहना है, ये सुधार के कदम है, इनसे पारंपरिक कृषि पद्धति इस सरकार ने शुरू करी है, तो पारंपरिक कृषि पद्धति भी लगभग वही है जो हमारी पारंपरिक कृषि पद्धति है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये पद्धति भी चलती रहे वो भी चलती रहे, इसको पूरा बड़े सुधार की जरूरत है। इसमें छोटे सुधार से काम नहीं चलेगा, इसमें बड़े सुधार की जरूरत है। इसमें जो है मैं आपको बताऊं कि 1901 में महारानी ने कहा था कि भारत के किसानों को खेती सिखानी है तो इसके लिए कमीशन बनाया जाए, तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बना था 1901 का, उसकी रिपोर्ट है। तो गोरो ने कहा कि भारत की जो कृषि पद्धति है उनको 10,000 साल पुराने एविडेंस मिले हैं कि भारत की कृषि पद्धति पूरी तरह से वैज्ञानिक है और बहुत अच्छी है। और इस कृषि पद्धति में एक बहुत खास बात है कि इसमें सबका पोषण होता है, इसमें पशु हो, पक्षी हो, सूक्ष्म जीव हो, सबका पोषण करते हुए मानव का भी पोषण होता है, धरती के अंदर जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु हैं उनका भी पोषण होता है। तो ये 1901 की रिपोर्ट में कहा गया है। हमने उस कृषि पद्धति को छोड़ के और जो ये इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाली कृषि पद्धति अपनाई है, जब तक हम वापस अपनी चीजों पर नहीं जाते तब तक इसमें से सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेसिक हमको समझना पड़ेगा कि हम किस, ये जो कृषि पद्धति है और जो तमाम नीतियां बनी हैं इसमें क्या है कि किसान को उसका जो स्वावलंबन है वो खत्म हुआ है, बाजार पे डिपेंडेंसी किसानों की बढ़ी है। जो पैदा करने वाला है, पहले हम लोग देखते थे कि नमक और मिट्टी के तेल के अलावा बाजार से कोई लाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही इस पद्धति पे हमने आगे बढ़े किसान बाजार पर आश्रित होता चला गया। अब मैं साल में गन्ना करता हूँ, गेहूं करता हूँ, या एक आधा कोई पशुओं के लिए चारा कर लिया पैदा, उसके अलावा क्या है कि दलहन है, तिलहन है, बहुत सारा मेरे घर का खाने का जो सामान है वही मुझे बाजार से लेके आना पड़ता है। तो ये किसकी देन है? जो हमने फार्मिंग सिस्टम एडॉप्ट किया है वो उसी की देन है। तो जब तक हम अपना फार्मिंग सिस्टम पे नहीं आते, उसी पे उसी पद्धति को नहीं अपनाते हैं, तब तक मैं समझता हूँ कि इसमें से कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, सुधार नहीं निकलेगा। कुछ सियासी सवाल आपसे समझना चाहते हैं, खासतौर से किसानों को लेकर के। दिल्ली में बड़े पैमाने पर बाहर से किसान आए, अपना विरोध जताते रहे, लेकिन सरकार ने उनके बातों पर उस तरह से तवज्जो नहीं दिया, आखिर वजह क्या? देखिए, ये किसान आंदोलन, तो मैं भी किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ लंबे समय, हम लोगों ने टिकैत साहब के साथ काम किया, आज भी हम उसी तरह की लोगों से जुड़े हुए भी हैं, पार्टी में रह के भी हम किसानों के लिए दिन रात काम करते हैं। तो सरकार ने जो, जहाँ तक बात है कि देश भर से हमेशा से ये किसान आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनकी बात को कुछ सुना जाता है, कुछ माना जाता है, कुछ नहीं माना जाता है, वो सरकार की मजबूरियाँ होती हैं। ये ब्लेम गेम कब तक चलेगा? किसानों की समस्याएं तो जस की तस बनी हुई है ना। हाँ, किसानों की समस्याएं, देखिए मैं जो कहता हूँ, ये जो मार्केट का नेक्सस है इसको तोड़ने की जरूरत है, उसमें राज्य सरकारों की जिम्मेवारी भी है, केंद्र की भी है, लेकिन चूंकि कृषि जो है राज्यों का विषय है, ये एक बड़ा केंद्र सरकार के हाथ बन जाते हैं। यहाँ मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कृषि का विषय है इसको हमको समवर्ती सूची में डालना चाहिए, क्योंकि इसको अगर नहीं डालेंगे ना तब तक ये समस्या का समाधान भी नहीं होगा। केंद्र ने पैसा दिया, राज्य अपने ढंग से खर्च कर रहे हैं, किसकी भी इसकी सरकार हो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, हम समाधान की बात कर रहे हैं। जो
वहाँ मार्केटिंग व्यवस्था एपीएमसी के हैं या बाकी सब चीज़ें मार्केटिंग है, वो सब राज्य सरकारों के हाथों में है, तो वहाँ कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इनमें जो है थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, किसान को जो उत्पादन की कीमत मिलती है और उपभोक्ता जो अदा करता है उसके बीच में बहुत भारी अंतर है। किसान लगभग आज के तारीख में 27 से 28 करोड़ टन अनाज पैदा कर रहा है, 16 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहा है, 30 करोड़ टन से ऊपर फल सब्जी का कर रहा है। फल सब्जी का उसको बेचारे को 20-25% मिलता है, उपभोक्ता जो देता है उसके मुकाबले उसको 20-25% मिलता है। दूध में भी मैं मानता हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो 10 रुपये किलो घाटा किसान सहता है, उसका जो श्रम है उसकी कीमत उसको नहीं मिल रही है, 10 रुपये किलो घाटे में है, ठीक है। और खाद्यान्न में भी लगभग घाटे में है। ये जो बीच का प्रॉफिट है ये कहाँ जा रहा है? ये वैल्यू एडिशन पे जा रहा है या मार्केटिंग में जा रहा है? इस सरकार ने वैल्यू एडिशन पे भी बात की और मार्केटिंग पे भी की है। और मैं देश भर के तमाम ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वैल्यू एडिशन एक अच्छा उत्पादन करना, उसका वैल्यू एडिशन करना और उसकी मार्केटिंग करना, बहुत कम किसान हैं ऐसे, बहुतायत में नहीं है लेकिन बहुत कम है, लेकिन उन्होंने बिना सरकारी सहयोग के ये करके दिखाया कि उन्होंने अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन किया है, फिर उसकी वैल्यू एडिशन की है, मार्केटिंग की है। अगर इसी काम को सरकार अपने ढंग से प्रमोट कर दे थोड़ा, तो मैं समझता हूँ किसान जो आज घाटे की खेती कर रहा है उसको हम फायदे में लेके आ सकते हैं। तो जो आमदनी दुगनी की बात कर रहे हैं ये और भी कई गुनी हो सकती है। और जो मेरी बात पे यकीन ना करते हों वो ऐसे मुझसे पूछ ले, बहुत सारे किसानों को मैं जानता हूँ देश भर के जिन्होंने ये खुद से किया है, वो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नरेश सिरोही साहब जो कि खुलकर बेबाक अंदाज में अपनी बातचीत कर रहे थे। भारत वॉइस में फिलहाल इतना ही।